दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो रिज़ल्ट आया हुआ है उसको हम कैसे देख पाएंगे ऑनलाइन। तो सबसे पहले आपको BBS PU सर्च करना है गूगल एड्रेस बार में, और BBS PU.ac.in जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की, वो यहाँ पर ओपन हो रही है। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, देखिए ओपन हो गई है। अभी हमको नीचे वाले लिंक पर क्लिक करना है, रिज़ल्ट प्रमोटेड 2019-20 and 20-21 अवार्ड वाले में हमको क्लिक करना है। जैसे हम उस वाले पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ अलग ही पेज शो होगा, और साइट थोड़ा सा यहाँ पर लोडिंग में चल रही है तो हो सकता है कि अभी थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अपलोडिंग अभी रिज़ल्ट बाकी हैं। हालांकि मैं देख रहा हूँ सबका रिज़ल्ट आ चुका है, जितने भी रिज़ल्ट अब तक जो पेंडिंग थे जिनका शो नहीं कर रहा था सब रिज़ल्ट आ चुके थे। देखिए यहाँ पे एनुअल रिज़ल्ट 2020-21 दिया हुआ है, यहाँ पे 21-22 दिया हुआ है, तो 21-22 वाले पे हमने क्लिक कर दिया है। जैसे 21-22 वाले पे क्लिक करेंगे, BSc थर्ड ईयर का रिज़ल्ट अभी 14 तारीख को अपलोड हुआ है, और 14 तारीख को बहुत सारे रिज़ल्ट अपलोड हुए हैं आप देख पा रहे हैं। MA सेकेंड ईयर का एजुकेशन से जिन्होंने MA किया हुआ है उनका रिज़ल्ट 14 जुलाई 2022 को अपलोड कर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से MA MSc का भी है। नीचे आप देखेंगे BSc AG का, MA सेकेंड ईयर का है, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग जो है यहाँ पर रिज़ल्ट शो कराए जा रहे हैं। हमको लग रहा है कि MA फर्स्ट सेकेंड ईयर का लगभग सभी विषयों से आ गया है रिज़ल्ट, और फर्स्ट ईयर वाले का भी लगभग जितने विषय से MA होते हैं लगभग सबका आ गया है रिज़ल्ट। और रिज़ल्ट देखने के लिए आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर टाइप करना होगा, जो भी आपका रोल नंबर है रोल नंबर टाइप करेंगे, और उसके बाद जो टेक्स्ट शो हो रहा है, जो इमेज शो हो रही है टेक्स्ट में, उसको नीचे बॉक्स में टाइप करना होता है। जैसे टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने से आपका रिज़ल्ट, अगर रोल नंबर सही है तो रिज़ल्ट जो है तुरंत शो कर दिया जाता है आपकी स्क्रीन के माध्यम से। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा रिज़ल्ट शो कर दिया गया है। दीपक गुप्ता नाम है, और इन्होंने MA के लिए आवेदन किया था गोपीनाथ PG कॉलेज से, और ये इनका रिज़ल्ट यहाँ पर शो कराया जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप सभी क्लास के जो है रिज़ल्ट बारी बारी से देख सकते हैं, BA है, BSc हो, MA हो, या फिर MSc हो, BSc AG हो, जितने भी रिज़ल्ट यहाँ शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं उन सभी कोर्स के रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। फिलहाल हम जाते हैं बैक, और हम कुछ और जानकारी बताते हैं आप सभी को कि JIC एजुकेशन चैनल पर आप सभी को आज से वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के भी नए नए अपडेट्स आप सभी को इसी चैनल पर मिल जाया करेंगे। रिज़ल्ट कब आ रहे हैं, एडमिट कार्ड कब आ रहा है, यानी जो भी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के जो न्यूज़ होते हैं, जो अपडेट्स होते हैं, वो सभी आपको इसी वीडियो में मिल जाया करेंगे। यहाँ हम इसके शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको शो करा रहे हैं कि इसका एड्रेस वगैरह क्या है, वहाँ का फ़ोन नंबर क्या है, ठीक है। यहाँ के कुछ फ़ोटोज़ नीचे आप देख रहे होंगे या कुछ जानकारी शो कराई जा रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।